कुशवाहा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जनपद अमरोहा के थाना डिडौली कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर 25,000 के इनामी बदमाश दाऊद को गिरफ्तार किया। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में फरार हो गया। कॉम्बिंग जारी है। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन पांडा के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश दाऊद को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर घायल करके गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। इस मुठभेड़ में एक पुलिस के सिपाही को भी गोली लगी है, जिसकी वजह से वह भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर लूट, चोरी, डकैती के विभिन्न आपराधिक वारदातें दर्ज हैं। ये काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ये मुठभेड़ भीखनपुर गाँव के जंगल में हुई थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा भी पहुंचे थे। उनके निर्देशन में ही पुलिस टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये थाना डिडौली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये दो बदमाश थे, जो कि मोटरसाइकिल पर थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है और उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जो अभियुक्त को गोली लगी है उसका नाम दाऊद है। ये नकासा संभल का रहने वाला है। इस पर करीब एक दर्जन मुकदमे हैं, लूट, चोरी, गैंगस्टर, पुलिस मुठभेड़ के। और ये हमारे जनपद से 25,000 रुपये का इनाम चल रहा था इसके ऊपर। गैंगस्टर के मुकदमे में ये वांछित था, इसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये इसने अपने दिल्ली नंबर की एक मोटरसाइकिल थी, जिस पर ये शाम के समय दो अभियुक्त जनपद अमरोहा की तरफ आ रहे थे। इनके अभी पूछताछ की जा रही है, किस इरादे से आ रहे थे। प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई घटना को अंजाम देने के लिए सुनसान सड़कों पर घूम रहे थे, लूटपाट के इरादे से। दूसरा बदमाश जो इसका साथी था, वो अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। काफ़ी घनी जंगल है वहाँ पर और काफ़ी अंधेरा है, उसमें पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग कर रही है। क्या क्या बरामद किया गया है? इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है उसकी भी जानकारी की जा रही है। दिल्ली नंबर की गाड़ी यहाँ कैसे आई है, इस बारे में जानकारी कर आगे कार्रवाई।